ये देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत है। ये 2024 के चुनाव के सेमीफाइनल की तैयारी है। ये 2022 में लखनऊ की गद्दी की जंग है। यूपी का चुनावी बिगुल बज चुका है। नेता से लेकर कार्यकर्ता अब मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने अब 2022 के चुनावी दंगल की तैयारियां तेज कर दी है, क्योंकि लड़ाई उस लखनऊ की है जो दिल्ली की किस्मत तय करती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी दौरे पर है, जहां उन्होंने यूपी फतेह के रोड मैप की तैयारियों का जायजा लिया। आज आगरा में नड्डा अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए, जिला अध्यक्ष और लोकल नेताओं के साथ चुनावी मंथन किया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने डॉक्टर से जुड़े कार्यक्रम में कोरोना काल में योगी सरकार के कामकाज पर सरकार की पीठ थपथपाई। किसको मालूम होगा कि इसकी मारक क्षमता लंग्स तक पहुंचने में 1.5 से 2 दिन लगेगी। किसको मालूम था कि ऑक्सीजन की जरूरत इतने फास्ट पड़ जाएगी। बहुत हमारे नजदीक लोगों के को दुख हुआ, दिक्कत आई, हम उनके साथ हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 सप्ताह के अंदर इस देश में ऑक्सीजन से सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में एक बार फिर दोहराया कि सरकार तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस महामारी के दौरान हमने ऑक्सीजन के बारे में देखा होगा, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य भारत सरकार ने जिस युद्ध स्तर पर किया था वह सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो रहा है। 552 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित करने जा रहे हैं। इससे पहले कल लखनऊ में जेपी नड्डा ने दौरे के पहले दिन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ सीधा संवाद कर विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों, सांसदों और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की लड़ाई पर मंथन किया। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझना। कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया, यूपी वाले बोलते थे कर्जा माफ कर दिया। क्या कर्जा माफ किया? क्या थी उसकी संख्या? एक बार माफ किया, छुट्टी पा गए। सारे का सारा कर्जा 57,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए के हिसाब से 3 किस्तों में देने का जो निर्णय किया। नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया है। 4 घंटे लंबी चली बैठक में सभी विभाग के मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड बनाकर पहुंचे थे। लखनऊ आने से पहले मंत्रियों से 4 साल की कामकाज की रिपोर्ट मांगी गई थी। पार्टी जल्द विधानसभा प्रभारियों को विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दे देगी। जो विधानसभा प्रभारी होगा वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इस दौरान साफ हिदायत दी कि सभी मंत्री अपनी विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करें और जनहित में किए गए कामों को जनता को समझाने का रोडमैप भी तैयार करें। इतना ही नहीं, जिन मंत्रियों और विधायकों के कामकाज से सरकार खुश नहीं है उनका पत्ता काटने की भी तैयारी चल रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।